नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात आज बिहार विधानसभा की करते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के लाख विरोध के बाद भी सदन में बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 पारित हो गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात रही कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष सदन से गैर मौजूद रहा और सदन में जिस तरीके से कार्यवाही हुई, इस कार्यवाही के दौरान विपक्ष जो था वो मजबूत नहीं था। आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई कि इस बिल को लेकर के सुबह से ही प्रदर्शन दिखा और खास करके जो विपक्ष था वो इसको लेकर के प्रदर्शन करता रहा। वहीं इस बिल के समर्थन में बिहार सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने सदन में समर्थन करते हुए अपनी बात को रखी। इस दौरान सभी ने बिल के समर्थन में अपनी हामी भरी, तो वहीं कई मंत्रियों ने यह भी कहा कि जिस बिल की बात और जिस पुलिस अधिकार की बात विपक्ष पहले से ही करता रहा है, ऐसे में उसे देने की बात की जा रही है, तो विपक्ष को अब इस बात से गुरेज है और इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरों भर करके सामने आई, सदन में विरोध हुआ, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कहा कि इस बिल के लिए पहले से ही विपक्ष बात कर रहा था और खास करके बात यह भी की जा रही थी कि पुलिस को विशेष अधिकार दिया जाए, लेकिन अब दिया जा रहा है तो विपक्ष को बुरा लग रहा है। इस विधेयक द्वारा किसी नए पुलिस बल के गठन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि पिछले 129 साल से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकित करते हुए सुदृढ़ और बहुज्ञानीय क्षेत्रीय सशस्त्र बल बनाने के लिए लाया गया है। महोदय, एक तरफ विरोधी लोग कहते हैं, अभी नहीं है कांग्रेस के, आपको याद होगा दुबे जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा पुलिस के पावर में संशोधन होना चाहिए, और जब संशोधन होने लगा तो कहता है काला कानून, वह कहता है कि सरकार के संरक्षण में अपराध होता है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन होता है। तो पता नहीं इनको क्यों चुड़चुड़ी लगती है, क्यों इनको परेशानी होती है। मुख्य रूप से महोदय अपराध से ये फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए अपराध के नियंत्रण में आम लोगों की सुरक्षा से इनका कोई हित नहीं है। तो वहीं इस बिल को लेकर के कई मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बात रखी। वहीं सदन में सीएम नीतीश कुमार भी आज दिन भर के कार्यों पर, चाहे वो विधानसभा में हंगामा हुआ हो या फिर सड़क पर जदयू ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर के उन्होंने दुख भी जताया और नाराज भी दिखे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे, जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था उसकी पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। तो जिस तरीके से सदन में सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध हुआ, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष इसको लेकर के विरोध कर रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, जिसको अब विधानसभा में पास कर दिया गया, और इसमें खास करके सक्रियता जो दिखी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की थी, क्योंकि विपक्ष जो वो नजारा दिखा। ऐसे में बात सबसे पहले करते हैं तो इस बिल को लेकर के देखा जाए तो यह बिल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की तर्ज पर काम करेगा और इसके लिए सामान्य पुलिस से अलग इस बल को विशेषाधिकार प्राप्त होगा। कानून के बाद अगर बात की जाए तो कानून बनने के बाद इस बल का यानी कि सिपाही के एक विशेष अलग बल का गठन किया जाएगा और इसके लिए तैयारी की जाएगी। यह बल औद्योगिक इकाइयों, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसे सीआईएसएफ जो होता है वो करती है, वैसे ही इस बल को भी विशेषाधिकार प्राप्त होगा। यह केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए ही होगा। इस बल को तलाशी और गिरफ्तारी का स्वतंत्र अधिकार होगा, यानी कि इन्हें गिरफ्तारी करने के लिए या फिर किसी से पूछताछ करने के लिए कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से साफ तौर पे आपने सीएम को भी सुना कि विशेष अधिकार देने का मतलब यह है कि अब इनको जरूरत पड़ी तो कोर्ट के घंटों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फिर उनके अधिकार कोर्ट से उन्हें अनुमति मिलने के बाद वो जांच पड़ताल करेंगे।
ऐसे में इस बल को विशेषाधिकार होगा कि वो कोर्ट में उसे जाने की जरूरत नहीं होगी और जिसको जब चाहे वो गिरफ्तार कर सकती है और फिर उससे पूछताछ भी कर सकती है। इसके साथ साथ इस बल को विशेषाधिकार ये होगा कि अगर जघन्य अपराध जैसे मामले आते हैं तो इनके पास दंड देने का भी स्वतंत्र अधिकार होगा और इसके लिए किसी भी तरीके की कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जिस तरीके से इस बिल को लेकर के अब चर्चा की जा रही है तो विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है और विपक्ष का कहना है कि पुलिस बल की जो बात की गई और जिसका गठन किया जाएगा उसके बाद इस बिल के आने के बाद और इस कानून के बन जाने के बाद नए पुलिस बल के गठन हो जाने के बाद आम जन परेशान हो जाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो जनमानस को होगा कि कोई भी ऐसे लोग होंगे पुलिस अपने बल का प्रयोग करते हुए आम जनता को परेशान करेगी। फिलहाल बढ़ते आगे और बात अब तेजस्वी यादव की करते हैं। पुलिस बिल पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर जो कि सदन से बाहर थे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। वहीं बिहार विधानसभा में पुलिस बिल पास होने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। आम जनता देख रही है आज तो मेरे ऊपर भी जान का जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई बिल्डिंग में ऊपर जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने दे गया। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा रिकॉर्डिंग होगा अगर कोई मेरे पास जब हम पहुंचे टाइ बंगला चौड़ा जाते पहुंचने के साथ ही जब बौछार करना शुरू कर दिया ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए।